हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वो पार्ट है ब्रेन का जो सबसे आखिरी है, इसको रोम्बिन सेफेलॉन भी कहते हैं आप, और यहां पर फोर्थ वेंट्रिकल होता है। मैंने आपसे कल कहा था कि चार वेंट्रिकल्स होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में है, थर्ड जो है वो डाइनसेफेलॉन के पास है, फोर्थ यहाँ होता है हाइंड ब्रेन में वेंट्रिकल। इसका पहला पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो रिफ्लेक्स सेंटर है, जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटीज होती हैं वो सब की सब ये कराता है, हाइंड ब्रेन कराता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कराता है। अब जैसे ब्रीदिंग, जो सांस अंदर लेके जा रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं आप, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कराना, डेफिकेशन जो आप स्टूल पास करते हैं बॉडी से बाहर, इसको डेफिकेशन कहते हैं, ये कराता है ये, स्नीजिंग छींकना, हिकपिंग हिचकी आना, सॉलोइंग निगलना, डाइजेशन हजम करना, यूरिनेशन यूरिन पास करना, वॉमिटिंग उल्टी होना, सॉलोइंग निगलना, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन वाले काम थे जो ये कराता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके साथ साथ ये भी हार्ट बीट को मेंटेन कराता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कराता है, ब्रीदिंग के रेट को मेंटेन कराता है, ये वाले काम भी हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के। हार्ट बीट हमें मालूम है हमारी नॉर्मल कितनी है, 72 टाइम्स पर मिनट। ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 मिलीमीटर मरकरी, और एक एडल्ट 1 मिनट में 12 से 20 टाइम्स इंस्पायर और एक्सपायर करता है। तो ये तमाम चीजें मेंटेन जो कराते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करा रहा है। दूसरा पार्ट जो है वो सेरिबिलम है, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरिबिलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, और ये सॉलिड होता है, हॉलो नहीं होता अंदर से, ये बैलेंस को मेंटेन कराता है चलते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, सीढ़ियां उतरते हुए, आपके पांव सही जगह रहे पड़े हैं जमीन पर, आप गिर ना जाएं, आपका बैलेंस जो मेंटेन कराता है वो सेरिबिलम मेंटेन कराता है। अक्सर ऐसा होता है ना लोग उलझ के गिर जाते हैं, तो सेरिबिलम 1 सेकंड के लिए भी सही फंक्शन नहीं करेगा तो आप पांव सही जगह रख ही नहीं पाएंगे, अपना बैलेंस खो देंगे और गिर जाएंगे। इसके अलावा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मसल्स को कोऑर्डिनेट कराता है, प्रिसाइज मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। प्रिसाइज मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब है जहां जहां जो एक्टिविटी करानी है उसके हिसाब से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराए, ये काम है सेरिबिलम का। तीसरा पार्ट है पोन्स, इसको पोन्स वेरोलाई भी कहते हैं, इसको पोन्स वेरोलाई भी कहते हैं। जो पोन्स हैं ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है बेस ऑफ द ब्रेन में, इसका काम भी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कराना है, मतलब मसल्स को आपस में मिलाकर काम कराना है मसल से, फेशियल एक्सप्रेशंस को डेवलप कराना, हंसते वक्त आपका चेहरा कैसा होता है, जब आप रो रहे होते हैं तो कैसा चेहरा हो जाता है आपका, गुस्से में है तकलीफ में है तो जो आपके फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो ये डेवलप कराता है पोन्स। इसके अलावा ब्रीदिंग और स्लीपिंग, सांस लेने का पैटर्न और स्लीप, सोना जागना टाइम पे, ये भी पोन्स काम करा रहे हैं। एक और स्ट्रक्चर है रेटिकुलर फॉर्मेशन, इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ये तीन चीजों से मिलके बनाए, मिड ब्रेन, मेडुला और पोन्स, इन तीनों चीजों के कलेक्शन को कहते हैं ब्रेन स्टेम या रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसका काम क्या है, इसका काम भी अवेकनिंग और स्लीपिंग, मतलब सोना जागना, ब्रीदिंग पैटर्न को डेवलप कराना। इसके अलावा एक और मेन फंक्शन है कि कौन सा ऐसा स्टिमुलस है कि जिसपे आपको रिएक्ट करना है और कौन सा ऐसा स्टिमुलस है जिसपे आपको रिएक्ट नहीं करना, ये बात कौन डिसाइड करता है। देखो हमारी बॉडी पे तो अनगिनत इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारी बॉडी में तो अनगिनत इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है हमारी बॉडी के पास, लेकिन क्या सारी इंफॉर्मेशन पे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, नहीं। कुछ इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करती है, कुछ पे नहीं करती। तो ये बात कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करना है, कौन सी पे नहीं करना है, ये बात डिसाइड करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहां तक ब्रेन के पार्ट्स थे सारे जो हमने कर लिए।